सदन के पास चलते हैं। नमस्कार। चीन हमें बोलिए क्या कहना है। हेलो। हाँ, मेरा कहना है, कभी कई बार ऐसा देखा है हमने, हम बोलते हैं भारत एक महान देश है और महान देश बनने के लिए हमें चाहिए कि कुछ ऐसा महान काम करें जो कि एक्चुअली हमें दिखाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महान दिखाए। पर दिक्कत यह है कि हमारा कभी भी हम महान चीज दिखाते ही नहीं है। चीन हम पे अटैक करता है लद्दाख से, अरुणाचल से, हम वो बोलता है कि वो तिब्बत का पार्ट है, पर देखा जाए तो हम भी, हम ये कैलाश मानसरोवर भी हमारा ही पार्ट था, शिव जी का स्थान वहीं पे था। तो उसका ये कहना कि तिब्बत का पार्ट है लद्दाख और तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, वो सही नहीं है। उस तरह से हमें भी कैलाश मानसरोवर मांगना चाहिए। अगर हमें, अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो कभी भी हमारे हमारे देश के लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम भारतीय कहलाएं। कई बार देखते हैं हम कि लोग अमेरिका जाके बस जाते हैं, इंग्लैंड जाके बस जाते हैं और फिर बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री। बिल्कुल, हम अपने देश के प्रति सही करते हुए नहीं निभाते और केवल देश को ताने मारने भर में अपनी होशियारी दिखाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सर, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ लंदन से। जिस चीन की 50% अर्थव्यवस्था भारतीय उपभोक्ता बाजार पर निर्भर हो, वो आज हमें आंखें दिखाने की हिम्मत कर रहा है। अगर हम इस देश की जनता चीन में बनी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार कर दे तो चीन बिना लड़े ही नंगा हो जाएगा। जय हिंद सर। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लाए हैं कि क्या सरकार और समाज चीन के प्रति गंभीर नहीं है। चीन 19 किलोमीटर भारत में घुस चुका है, ये किलोमीटर और उसके कदम भारत के तरफ और बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों के, चीनी उत्पादकों के तरफ बढ़ने वाले कदम कम नहीं हुए हैं। भारत के लोग चीनी उत्पाद जो खरीद रहे हैं उसमें 0.1% की भी कमी नहीं आई है, और यही चीन का हौसला बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत है। आपके साथ अगर पूरा देश ये तय कर ले कि चीनी उत्पाद नहीं लेंगे तो चीन के ऊपर हम ऐसा आर्थिक दबाव बना सकते हैं कि हमारी बुजदिल सरकार को भी कुछ ना कुछ शक्ति उससे शायद मिल जाए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको। सर, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, एक बिंदास में आपने पूछा था कि देश का बिग बॉस कौन है, और मैंने कहा था कि देश का बिग बॉस कौन है ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन जो भी है वो इस देश का नहीं होकर विदेश से भारत सरकार को नियंत्रित कर रहा है। शायद चीन भी उसी विदेशी शक्ति के द्वारा भारत सरकार पर लगाम लगाए हुए है, अन्यथा जो देश भारत के बाजार से हर वर्ष अरबों रुपए कमाता हो वो भारत को आंखें दिखाए और व्यापार भी करता रहे यह संभव ही नहीं है। सरकारी मुद्दे पर हुए बिंदास में मैंने तीनों सेना अध्यक्षों से अपील की थी कि वो समय रहते सरकार को बता देंगे कि उनकी निष्ठा किसी सरकार के प्रति नहीं बल्कि इस राष्ट्र के प्रति है, और वो इस देश की इंच भूमि भी दुश्मन को लेने नहीं देंगे। आज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को हमारे सेना अध्यक्षों की काबिलियत पर संदेह है, जो सलमान खुर्शीद घुसपैठिए चीन से राजीनामा करने चीन जा रहे हैं। चीनी सैनिकों को घेर लीजिए, चीन खुद आपसे बात करने दिल्ली के दरवाजे खटखटाता नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत। वाह, धन्यवाद। ये इरादा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास ये नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं सऊदी अरबिया से घनश्याम प्रजापति बोल रहा हूँ। बोलिए जी। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति में हमारे देश के सभी लोगों को एकजुट होकर चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, और हमारे देश के नेता संसद में तो कोयला घोटाला और अन्य घोटाले पर बोलते हैं पर चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि हमारी सेनाओं को ऑर्डर दें कि चाइना के सेना का मुंहतोड़ जवाब दें। धन्यवाद सर। हम परिणाम देखते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होगा। चीन हमें आर्थिक रूप से गुलाम बना लेगा। जिस तरह से चीनी सामान हमारे बाजारों में भरा पड़ा है, हम पूरी तरह से चीनी सामान पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में अगर चीन से युद्ध होता है तो हमारे बाजारों में सामान की कमी हो जाएगी, भारतीय कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। जिस तरह से सस्ता चीनी माल हमारे बाजारों में आ रहा है,
इससे हमारे टिकाऊ माल बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में हमारे भारतीय कामगारों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। चीन हमें कमजोर करने में कामयाब हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही चीनी थिंक टैंक ने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि भारत विविधता वाला देश है। भारत की इसी विविधता का फायदा उठाकर उसे अलग अलग भागों में तोड़कर कमजोर करना चाहिए। हमारी सेना का मनोबल गिर जाएगा। हमारे सेना प्रमुख ने भारत सरकार को आक्रामक कार्रवाई का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन के सैनिकों की रसद सामग्री का रास्ता रोक दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। चीनी उत्पादों से हम बीमार देश बन जाएंगे। चीन के उत्पादों को ज्यादातर यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने बैन कर दिया है। चीन के पड़ोसी देश भी चीन के माल को कड़ी जांच करके ही खरीद रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है तो वे उस माल को वापस कर देते हैं, लेकिन भारत सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं अजय सैनी सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा कहना सर यह है कि हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त है। रहा व्यापारी, वो अपने व्यापार में लिप्त है, और देश का नौजवान आईपीएल में मस्त है। रहा बचा देश का किसान और जवान, जो अपने देश का जवान सीमा पर पस्त है और किसान खेत में पस्त है। ऐसे में सर बचपची भारत माता जो गुलामी के डर से डर रही है, और ऐसे में किससे आस की जा सकती है? हमारी सरकार तो बहुत कमजोर हो चुकी है, ऐसे में कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। जय हिंद सर। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ जयपुर से। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, जनता बोलेगी, चिल्लाते रहेंगे लोग, नेता ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ ही नहीं हो सकता इस देश का, कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ आम आदमी चिल्ला के रह सकता है, रो सकता है, तड़प सकता है, बाकी कुछ ही नहीं हो सकता इस देश का, कुछ भी नहीं हो। जब तक ऐसे नेता है मेरे देश का, कुछ भी नहीं हो सकता। ये धन्यवाद, निराशा का भाव है देश में कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस देश का बहुत कुछ हो सकता है अगर इस सोए हुए हिंदुस्तान को जगाया जा सकता है। ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हालांकि चीनी उत्पाद खा खा के यहाँ की पीढ़ी शायद भ्रष्ट होती जा रही है, और वो स्वाभिमान चीन के उत्पादकों के साथ ही नाकाम हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा काम जगाना है और हमको करते रहना चाहिए। हम उपाय दिखाते हैं क्या हो सकते हैं। चीनी माल का बहिष्कार हो। देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीमा पर जाकर अगर सेना के साथ लड़ नहीं सकते तो किसी न किसी तरह से दुश्मन को कमजोर करने में सेना का साथ दें। लेकिन हमारा समाज इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। चीनी घुसपैठ का आक्रामक जवाब दिया जाए। जिस तरह से चीन अभी भी हमारी सीमा में 19 किलोमीटर तक घुसा हुआ है, ऐसे में चीन को वाकई आक्रामक जवाब देने की जरूरत है, नहीं तो ड्रैगन दूसरी जगह भी अपनी घुसपैठ शुरू कर देगा। भारतीय हुक्मरान चीन से दो टुक बात करें। आज हमें चुप रहने के बजाय चीन से दो टुक बात करने की जरूरत है। अगर हम चीन की इस घुसपैठ पर चुप्पी साधे रहे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। चीन आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगे। कम से कम हमें अपने नियम कानूनों को इतना कठोर करने की जरूरत है जो चीन के बीमारी फैलाने वाले उत्पादों को रोक सके, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और देशवासियों की जिंदगी पर पड़ता है। जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, वैसे ही हमारे लोग भी बीमारियों का शिकार होते हैं। भारतीय कामगारों को बढ़ावा दिया जाए। चीनी माल पर प्रतिबंध लगाकर हमारे उन कारीगरों को बढ़ावा दिया जाए जो भारतीय बाजारों के लिए छोटा छोटा माल तैयार करते हैं। हमारी विदेश नीति को मजबूत बनाया जाए। जिस तरह से चीन हमारे विरोधियों की सहायता करके हमें कमजोर करने में लगा हुआ है,
वैसे ही हमें चीन के विरोधियों को अपने साथ लेकर चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मैं इस वक्त ये देश के नेता जो है अब्दाली से भारत की जनता को इतना बेवकूफ बना रहे जैसे रशी दर्वी, ये बोल रहे थे कि अभी जो है बीजेपी वगैरह इतना हवा बना रही है। उस वक्त जब सुदर्शन न्यूज ने इस न्यूज को दुखाना शुरू किया था तब ये लोग जो है एक दूसरे चैनल जो है वो ब्लैकमेल वाला केस कह रहे दिखा रहे थे। इन्होंने 10 दिन के बाद में वो न्यूज दिखाया, उसके ऊपर भी राशिद अलवी कह रहे हैं कि बकवास हवा बना रहे हैं। और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ उस टिकट में, जिस वक्त अभी जहाँ जिस जगह अभी चाइना घुसा हुआ है वो ऐसी जगह है जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर में सियाचिन ग्लेशियर है, उस टिकट में अगर जो है सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की फौज आ गई तो हिंदुस्तान वाले नीचे रहते हैं, वो मार खाते हैं। वैसे ही वो जगह है हिंदुस्तान की, एक ऐसी जगह है अगर वहां से हिंदुस्तान की जो है उस चाइना के बॉर्डर के पूरे फौजी की हरकत देख सकते हैं, इसीलिए चीन उस जगह को जो है ऑब्जेक्शन उठा रहा है ताकि वो वहां से फौज पीछे हट जाए इंडिया की और वो जो है उसके टारगेट में ना आए भारत के फौजियों के, इसलिए वो बैंकर मुझे लगता है, मुझे डर है। और हमारे देश की पूरी जनता को यह सोचना चाहिए कहीं ये भारत सरकार वहां पर वो सौदा ना कर जाए जो चाइना बोल रहा है कि पीछे हट जाओ, अगर पीछे हट गया तो वहां पर उसे शिमला। बिल्कुल धन्यवाद। और ये जो बात आपने कही है ये सत्य है और इसी के आधार पर चाइना ने इस देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है, लेकिन लगता है कि शायद सरकार चाइना की बात को मान जाएगी, या तो जो चौकी लगी है उसको हटा देगी या चाइना जहां पर घुसा है ये यही पर रहेगा, आगे बढ़ सकता है लेकिन पीछे बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। अगले कॉलर। चलिए कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया, आज हम तकनीकी कारणों से बहुत से कॉल को नहीं ले पाए लेकिन आज कॉल करने वालों की संख्या कई हजार गुना में ज्यादा थी। ये उत्साह जो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए दिखाते हैं, ये उत्साह जो टीवी चैनल के शो में आप दिखाते हैं, ये उत्साह ये गुस्सा आपको आप बाजार में दिखाना है, वो भी कुछ खरीदने के लिए नहीं बल्कि ना खरीदने के लिए, चाइना के उत्पादकों को बायकॉट करने के लिए। और अगर हम ये शपथ ले लें कि अगर हम चाइना का कोई उत्पाद लेते हैं तो हम चाइना के सैनिक को भारत के सैनिक के खिलाफ गोली चलाने के लिए अनुदान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, हम भारत के सैनिक के खिलाफ चलने वाली गोली को स्पॉन्सर कर रहे हैं, चीनी सामान लेना यही है। देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है लेकिन ये प्रदर्शन इतने पर पर्याप्त नहीं है। ये सरकार तब तक नहीं जागती है जब तक ये समाज और जनता तमाचे तक नहीं आती है। अब जब चीन का तमंचा सर पर लगा है तब भी सरकार नहीं हिल रही है, लेकिन ये देशवासी अगर कुछ करते हैं तो जरूर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सरकार दोबारा सत्ता में आने के लिए चीन के बंदूक से ज्यादा इस देश के वोट से डरती है। और इसलिए अगर देश का वोटर सरकार के खिलाफ नाराज हो रहा है, ऐसा भाव उसके पास जाता है तो जरूर कुछ कर सकती है। हमको राजनीतिक लड़ाई में भी इस विषय को आगे लाना है, हमको देश प्रेम दिखाने के लिए सड़क पर भी उतरना है, हमको अपने सरकार और चीन को एक साथ जवाब देना है, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए एक साथ कई जवाब देने के लिए तैयार रहने वाला भारतीय समाज आज इतना सोया हुआ क्यों है, ये दुखा विषय है और बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जैसे सुदर्शन टीवी ने, भारत के हम पहले चैनल थे जिन्होंने इस घुसपैठ के ऊपर सबसे पहले आवाज उठाया, और हम आशा करते हैं कि इस आवाज के साथ जो आपने अभी अपना आवाज जोड़ा है, हमारे साथ जो ललकार की है, हमारे साथ जो गर्जना की है, ये गर्जना हम बीजिंग तक पहुंचाएंगे और चीन को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।